अगेन दिस इज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज हमारे साथ एक ऐसे जेंटलमैन है जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, एंड गुजरात से मतलब काफी दिन से इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहे हैं, एंड स्पेशली मैं बात करूँ तो बुलियंस में काम करते हैं ये फिजिकल में, और इसके अलावा इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को फॉलो करके कमोडिटी में स्पेशली बुलियंस में काम करते हैं। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उन्हीं को इन्वाइट करता हूँ, एंड उनसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एंड इट विल बी अ नॉर्मल डिस्कशन बिटवीन मी एंड हिम। आई एम श्योर आप लोगों को भी लर्निंग मिलेगी, शायद वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएंगे, शायद वो बताएंगे कि वो इंटेलिजेंस को कैसे फॉलो करते हैं और कैसे पैसा बनाते हैं। तो मैं एक बार उन्हें एडमिट करता हूँ। सर, जैसे आप काफी बार इंटेलिजेंस को देखने के बाद आप लोग पिंग करते हैं, आप एडवांटेज उठा रहे हैं, सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आप बहुत यंग हैं जी सर अभी तो। मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। जी हाँ, मैं कम से कम 1 ईयर से आपको फॉलो कर रहा था, पर ओके जी बीच बीच में मैं छोड़ रहा था, कंटिन्यू फॉलो नहीं कर रहा था, उसकी सबसे मैं नहीं चल रहा था सही तरह से। तो अभी मैंने मन बनाया कि आपको कंटिन्यू फॉलो करो 100%। हाँ, तो अभी 1 साल पर मैंने आपको फॉलो किया तो मेरा विश्वास भी बैठ गया कि भाई नहीं भाई, 100% काम करे तो मजा है इसमें। जी हाँ, तो सर कैसे पता चला था आपको इंटेलिजेंस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कैसे पता चला था आपको? मेरा एक भाई बहन था, वो आपको फॉलो कर रहा था, उसने मुझे सलाह दी कि भाई इनको फॉलो करो, तो मैंने फॉलो कर रहा था, पर मैं जिस तरह से 100% करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहा था। जी हाँ, इसके लिए मुझे नहीं, फिर अभी मैंने जो वापस अभी 1 महीने से कंटिन्यू फॉलो करा, उसमें काफी अच्छे कॉल गए आपके, तो अभी मुझे वो पैकेज में जाने का मन बन रहा है कि भाई कंटिन्यू पैकेज ही आपका करो। ओके तो सर अभी आप कैसे काम करते हैं, लेवल्स के आधार पे काम करते हैं अभी? अभी तो बस मैं 2 लॉट में ही काम करता हूँ, सिंगल लॉट में ही काम करता हूँ, 1 या 2, ओके एंड स्पेशली आप सर बुलियन में ही करते हैं ना, गोल्ड एंड सिल्वर ओनली? गोल्ड और सिल्वर बुलियन में, बाकी कुछ नहीं। तो सर अभी जैसे आपने पैकेज नहीं लिया है, एंड अगेन मैं ऑडियंस को बता दूं, हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं पैकेज लेने के लिए, सर ने भी अभी तक पैकेज नहीं लिया है, स्टिल पैसा बना जी रहे हैं। बट सर जी अभी मुझे बताइए, जैसे लेवल्स के आधार पे आप कैसे पैसे बना लेते हैं आप इंटेलिजेंस को फॉलो करके, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मुझे बताएंगे आप? लेवल्स के आधार पर तो काफी अच्छे कॉल जा रहे हैं, आप तो कंटिन्यू हमारे पे ध्यान रख रहे हो हर, जैसे कि आपने कॉल ओपन किया तो अपने हम लोग ग्रुप में रख रहे हो हम लोगों को, जी उसके बाद आप जानकारी भी दे रहे हो 50% बुक करो, ये करो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका। ओके अमुक टाइम जैसा कि आपको कुछ जो लगे तो आप एग्जिट भी करवा दे, वो भी अच्छी बात है, कभी यानी पूरा के पूरा टॉप लॉस एसएल भी नहीं करवाते आप। जी हाँ, यानी कभी आपको अभी लास्ट में अपने बारे एग्जिट भी करवा दिया, उसमें भी मुझे अच्छा, काफी अच्छा लगा वो। जी सो पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि सर जो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, सर ऐसे नॉर्मली मंथली पैकेज सर ने नहीं लिया है, बट हम लोगों ने हाँ, जो नई सर्विसेज स्टार्ट करी है, ब्रह्मास्त्र और महाबाहुबली, सर कभी कभी बुलियन के जब कॉल्स आते हैं, शायद आप टेलीग्राम से लेते हैं सर, राइट? हाँ जी, तो टेलीग्राम में पूरा अपडेट रहते हैं सर, बिल्कुल उसमें अलर्ट रहते हैं कि कोई भी कॉल जनरेट होगा इंटेलिजेंस का तो आपको लेना है महाबाहुबली ब्रह्मास्त्र। हाँ जी, तो आप जैसे ही लेते हैं सर, आई एम श्योर आपको एक मतलब ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है, शायद ऐसे ही कुछ है ना, कि आपने हाँ बराबर, किया, आप कस्टमर केयर को उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं और आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। बराबर, उसके बाद सर एंट्री अगर इंटेलिजेंस ने कराई तो एग्जिट भी इंटेलिजेंस ही कराता है? हाँ 100%। ऐसा कोई कॉल आज तक तो नहीं है सर कि आपने एंट्री ले ली और इंटेलिजेंस ने एग्जिट ही नहीं कराया उसको? ना 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 ना, तब से कभी बना नहीं, आज तक तो मेरे साथ तो नहीं बना। जी मतलब ऐसा तो नहीं हुआ इंटेलिजेंस ने कभी एंट्री कराई और एग्जिट ही नहीं कराई? नहीं, पूरा पूरा ध्यान तो रहता ही आपका हर एक कस्टमर पे, जी तो आपको पूरा सपोर्ट सर 100% मिलता है ना इससे? जी 100% मिल रहा है मुझे, अभी तक तो मिल रहा है, 100% मिल रहा है। जी 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 ओके तो कितने साल से हैं सर मार्केट में आप, अगर मैं बात करूं तो? मार्केट में मैं काफी साल से हूँ, मैंने काफी पैसा घुमा भी लिया था अंदर, अच्छा जैसे आपसे ज्वाइन हुआ वो मुझे थोड़ा 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 कवर हो रहा है, इसके लिए मैंने जी अभी कंटिन्यू मन बनाया कि भाई टोटली आपके साथ मुझे काम करना है। जी मैं 2000 लॉकडाउन से मार्केट में एंट्री की मैंने। हाँ अच्छा लॉकडाउन से एंट्री करी, और सर डायरेक्टली आपने कमोडिटी में एंट्री कर ली, उसके पहले स्टॉक वगैरह में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह में नहीं किया, डायरेक्टली आपने कमोडिटी में उतर गए मार्केट में आप? देखो, मेरा बुलियन का ही काम है, जी तो चल लॉकडाउन में घर बैठे बैठे इसमें सेल बाय करते करते उसमें एंट्री हो गई अपनी। ओके तो
तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूं, M6 का कैसा है आपका सर? एमसीएस का मुझे तो आपके साथ जब से ज्वाइन हुआ तब से तो काफी मजा आ रही है काम करने में। जी, तो सर जैसे लेवल्स आपको मिल जाते हैं, और आपने बोला कि आपका कॉमोडिटी का मतलब बुलियन का काम है, ज्वेलरी का काम है, फिजिकल काम है, तो सर उसका हेल्प आपके फिजिकल बिजनेस में भी होता है? काफी सर अच्छा लेवल सब पता चलते हैं कि भाई यहाँ से अपने प्लस में रहना है माइनस में रहना है। जी, तो एटलीस्ट आप अपनी फिजिकल पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। जी। सुपर सुपर सुपर। और सर जैसे आपको अच्छा लगा, आपके फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया, कभी आप अपने किसी नियर एंड डियर को आप रिकमेंड करते हैं इंटेलिजेंस का, या फिर अपने पास ही रखा है अपने इंटेलिजेंस को? नहीं अभी तक तो अपने पास रहे, मैं कंटिन्यू सोडा का फॉलो करूँ तो ही आप किसी को बोलो ना। अब जी। तो खाली कॉल बेस पे जा रहा था मैं, कंटिन्यू पैकेज लो आपके साथ जुड़ा जाओ तो ही मैं किसी को बोल सकता हूँ ना। ओके सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहता हूँ, जैसे आप यूट्यूब में लेवल्स, रोज यूट्यूब लाइव देखते हैं आप? नहीं काफी कम, मुझे इतना क्या टाइम ही नहीं मिलता, मैं खाली आपके टेलीग्राम के कॉल फॉलो करता रहता हूँ, आपके जो टेलीग्राम की वीडियो आते हैं वही खाली कंटिन्यू देखते रहता ओके, हूँ। सो टेलीग्राम में जब भी वीडियो डलते हैं आप उसको देखते हाँ हैं और टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हैं? बराबर। ओके, तो सर मतलब आपने मॉर्निंग को शीट आ जाती है आप पब्लिक टेलीग्राम में, तो हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी लेते हैं आप मार्केट के लिए, इंटेलिजेंस के जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कई बार हम लोग डाल देते हैं, तो वो हाँ हाँ लेते हैं सर आप? हाँ वो तो लेते ही ना, मुझे क्या वो अपने इसमें अपने लाम काम में उसका लाभ मिलता है थोड़ा कि जी भाई यहाँ से खरीदी पड़ा है ना पड़ा है। जी 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 और सर जैसे दिगंबर जी, मैंने देखा कि आप जैसे पहले आपने मुझे बताया कि कभी कभी आप कॉल्स लेते हैं ब्रह्मास्त्र और महाबाहुबली में काम करते हैं आप, नॉर्मली बुलियन में हाँ काम करते हैं, तो सर जब भी कोई कॉल जनरेट होता है तो आप ऑन एन एवरेज इंटेलिजेंस को फॉलो करके कितना पैसा बना लेते हैं, एक अमाउंट अगर मैं पूछूं तो? देखो मुझे तो काफी अच्छे जा रहे हैं अभी तक तो, मैंने समझो आपको ज्वाइन करके ना 2-3 महीने में तो मैं अच्छा खासा प्लस हो गया, 5-6 PT तो मैंने कवर कर लिए। जो ओके मुझे नुकसान गया था लॉकडाउन से, मैंने अभी तक तो काफी नोट घुमाई थी उसमें से अच्छा खासा कवर कर लिया आपने। ओके, सो अल्टीमेटली अगर आप बोलेंगे कि आप पहले और किसी को फॉलो करते थे आप इंटेलिजेंस के पहले, नहीं पहले तो मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था आप अपने आप ऐसे। को फॉलो कर रहे थे और आपने हाँ लॉस किया था, बट एटलीस्ट इंटेलिजेंस को फॉलो करने के बाद आप उसको रिकवर करना चालू कर दिए। जी। ओके, सो आई एम श्योर सर वो रिकवर करने के बाद एक अच्छे लेवल पे आप एक प्रोफेशनल वे में काम करेंगे, तो आई एम श्योर आप पैसा बनाएंगे, बट अगेन आपको वो ध्यान रखना होगा जो हम बार हर बार बोलते हैं सर, मैं भी वीकली रिपोर्ट में आगे बोलता हूँ कि फॉलो वन और फॉलो नन, अगर आप इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी मत फॉलो करिए, जी बराबर ओनली। हाँ तो इसको सर ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये आपके लिए लाइफ के लिए बहुत काम आएगा। हाँ मैंने वो भी भूल करके देखा, मैंने गलती भी अमुक बार मैंने अपने भी खुद के भी चला के देखा, उसमें नहीं मार पड़ी आपके पास छोटा गए करो तो पूरा विश्वास करना जरूरी है आपसे। है ना सर, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए मार्केट में दो ही चीज होती है, बाय या फिर सेल होता है, करेक्ट? हाँ और इंटेलिसिस ने, लेट्स से हमारी रिसर्च ने आपको अगर सेल कॉल दे दी और आपका दिमाग में चल रहा है कि बाय, जी हाँ। आप किसी को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे जो हम लोग बोलते हैं सर फॉलो वन और फॉलो नन, क्या ये इम्प्लीमेंट आप करते हैं, क्या पब्लिक को भी करना चाहिए ये इम्प्लीमेंटेशन इसी चीज को? जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। एंड सर जैसे मैंने शायद आपसे फ्राइडे को हमने बात करी थी, हमारी टीम ने बात करी थी इंटरव्यू के लिए, तो एकदम से अपने हाथ खोल दिया सर इंटरव्यू के लिए, बिकॉज काफी लोग हैं जो डरते हैं फिजिकली इंटरव्यू देने के लिए डरते हैं, मतलब मैं स्टॉक मार्केट में कमोडिटी में काम करता हूँ, मैं फेस टू फेस कैसे बात करूंगा, सर आपको ऐसा झिझक नहीं आई कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा? नहीं नहीं आपने कर रहे तुम पूरा करने का ना, नहीं करना तुम नहीं करने का, आपने कर ही रहे तो पूरा ही उसके अंदर कूद जाने का, जी मेरा थिंकिंग ये है करो तो सौ का फॉलो करो। जी 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 एंड सर जैसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ सर, लेकिन लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते, एंड लोगों जी की सोच क्या है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, सट्टा है, आपका क्या व्यू है सर इसमें? देखो हर कोई लाइन सट्टा ही है, हम लोग व्यापार करते हैं उसमें भी सट्टा ही है, जी अपने अपने लिमिट से हर किसी ने करना चाहिए, मेरी तो यह सलाह है। जी सिंगल लॉट में करो अपने जैसी कैपेसिटी पे, अपने अभी लॉट थोड़ी बना लिए तो डबल लॉट में जाओ, अपने हिसाब से करना, मेरे हिसाब से तो सही है ये। ओके, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि प्रोफेशनल वे में अगर काम करें, जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली अगर काम करें तो बहुत पैसा बन सकता है, बट लोग लालच करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस और करते हैं, हाँ और इस मार्केट सिंगल को? सिंगल में करो तो 100% सिंगल में ही करो, मेरी जी तो सलाह। कभी जी आज
कभी आज सिंगल किया कल डबल किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगल एट ए सिंगल ही जी कभी, हाँ इसमें क्या है कभी एसएल भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं। बिकॉज सर काफी लोग ऐसे होते हैं, पैनिक होते हैं, एक स्टॉप लॉस हिटो के तो डर जाते हैं, वाई बिकॉज लॉट में ज्यादा काम कर लेते हैं। तो सर आप हाँ क्या सजेशन देना चाहते हैं ऐसे यूथ आइकॉन को जो काम करते हैं मार्केट में? मैं भी पहले ऐसे करता था, समझो आपने बाई का कॉल दिया, मैंने अभी एक सिंगल लॉट वाल बाय किया और किसी ने मतलब क्वांटिटी बढ़ा नहीं की नहीं कभी। मेरा जी तो ये मानना है थिंकिंग कि भाई क्वांटिटी मेंटेन करो तो मजा जी आएगी। अपने जिस दिन और कम करोगे तो उस दिन ऐसे लोग जाए तो अपना पूरा मूड बिगड़ जाएगा उसमें। इसके लिए जो लॉट पे चल रहा है उसने में काम करो तो बेहतर रहेगा। ओके और सर जैसे आप काम करते हैं, आप M6 में काम करते हैं, बुलियन के ट्रेड लेते हैं, तो सर फैमिली वालों को पता है कि आप ट्रेड लेते हैं? मेरी फैमिली जुड़ी है इसमें तो जी अच्छा फैमिली भी इंटेलिजेंस को जानती है? अमेजिंग जी जी देखो अमेजिंग, तो उनको भी पता है। अपने तो काम में रहते हम आका दिन ध्यान नहीं रख पाते हैं। जी तो इससे जब मैंने तो फैमिली को इसमें ज्वाइन कर दिया, वो सामने से मुझे बोलते हैं कि भाई कॉल है तो ये वीडियो आए, मैंने भी देखा आपने भी देखा, उनको मैंने ज्वाइन करके रखा है आपके साथ। सुपर, मतलब आपको तो पता ही है इंटेलिजेंस के बारे में, प्लस पूरी फैमिली को भी पता है कि आप काम हाँ कर रहे पूरे हैं। I'm जी sure, सर फैमिली को अगर पता है तो अलग एक वो रहता है ना, जैसे कोई फैमिली वाले को नहीं बताते हैं, मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने मेरी फैमिली वालों को नहीं बताया, तो एक अलग सा प्रेशर रहता है दिमाग में कि यार मैं काम कर रहा हूँ, बट कभी अचानक ऐसे फोन आ जाते हैं और पोजिशन अगर हमें काटनी है या मैसेजेस आ गया हाँ तो नहीं हो पाता, बट फैमिली वालों को पता है तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि यस मेरे फैमिली वालों को पता है मैं आराम से काम कर सकता हूँ, तो एक ना मेंटल उसमें जो प्रेशर रहता है वो नहीं होता होगा। मैंने उसमें अपने अकेले पे प्रेशर नहीं रहता है, अपनी फैमिली भी अपने को सपोर्ट करती है ऐसे टाइम पे, तो जी इसके लिए फैमिली को साथ रख के ही काम करना चाहिए। जब मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ तो मैं सिंगल काम करता था, जी काफी प्रेशर में चल रहा, जैसे आपसे ज्वाइन हुआ तब से सब सब मिलके कर रहे हैं, हम दोनों मिलके काम जी कर रहे हैं, ओके उन्हीं को भी मजा आती है अपने को भी मजा आती है, घर में मजा आ रही है जिस तरह से मैं बोलना चाहता हूँ उस तरह से। मजा आ रहा है। तो सर आप कमोडिटी में स्पेशली बुलियन में आप वेट हाँ करते रहते हैं कोई कॉल जनरेट हो, इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस कॉल जनरेट हो और आप लोग काम करें, आप काम करें, ऐसा वेट करते रहते हैं सर कॉल्स का? मैंने ना बोला सर इंटेलिजेंस के कॉल्स का वेट करते रहते हैं कि आपका कॉल जनरेट हो इंटेलिजेंस का? वेट है ना, हद के बाहर वेट करते हैं डेली ओके लगे रहते भाई कब कॉल आए और कम काम करें, कॉल का तो इंतजार रहेगा। आने टोटली आपके कॉल के सिवा मैं एक भी सिंगल लॉट भी नहीं कर रहा हूँ, जितने आपके जी कॉल आते हैं उसी हिसाब से ही चल रहा हूँ, ओके अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके। और आपने जैसा बोला कि सर 3 महीने से आप ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं इंटरव्यूज को फॉलो करके और 4 से 5 लाख रुपए आपने कमाया है, जी सिंगल लॉट में सुपर सर। सिंगल लॉट में 4 से 5 लाख रुपए, मतलब ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए पर मंथ आप बना रहे हैं, तो हाँ। सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, प्लस हमारे लिए भी, हमको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि यस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी क्वांटिटी में भी काम करते हैं और इंटरेस्ट को फॉलो करके रेगुलरली पैसा बना रहे हैं। सर इस आई एम श्योर ये वीडियो सर अमित जी भी देखेंगे, उसके अलावा बहुत सारे ऑडियंस भी देखेंगी। सर पहले आप अमित जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं अंदर से मतलब काफी सारा नुकसान मेरा उन्होंने कवर करने बहुत सारी मदद कर रहे हैं मुझे, जी अने वो एकदम पूरा फैमिली के जैसा अपने साथ सपोर्ट करते हैं, जी वो सबसे बढ़िया लगता है मुझे। यानी कोई अपना है अपने को पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है अपना बड़ा भाई जैसा। सर स्ट्रेटजी कैसी लगती है, लेट्स से बाय कॉल आया या सेल कॉल आया तो स्टॉप लॉस भी आपको मिलता है, टारगेट भी आपको मिलता है, वो जी हाँ प्रॉपर सिस्टम एक सेट है कि अगर एग्जिट भी कराना है तो एग्जिट भी कराना है, और करवा स्टॉप दे, लॉस बिना आप काम नहीं करते या स्टॉप लॉस हटा देते हैं जरा, नहीं टॉप लॉस तो मैंने आज तक कभी नहीं हटाया। मतलब जो इंटेलिजेंस ने स्टॉप लॉस दिया आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? हाँ टॉप लॉस होकर तो काम करके मैं काफी भूल कर चुका हूँ, अभी वो करनी नहीं, टॉप लॉस के साथ ही काम कर रहा हूँ अभी। ओके और सर जैसे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, दो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आपको ये पता रहता होगा आई एम श्योर कि यस मुझे पता है कि नेक्स्ट कॉल पे मैं उसको कवर कर ही लूंगा, कर बिकॉज ही मैं लूंगा काफी इंटरव्यू लिया हूँ तो काफी लोग यही बोलते हैं कि सर एक अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो उन्हें भी पता होता है कि इंटेलिसिस इसको कवर करा के देगा और उसके अलावा एक नई ट्रैक पे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ये जी। लोग कम से लोग मुझे बोलते हैं। सर आपका क्या व्यू है सर इसमें?
बस वही है, अपन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, सभी कॉल पे काम करो। जी हाँ, दो कॉल का ऐसे लीट हो गया, इसके लिए काम करना नहीं छोड़ना है। काम करना है तो सभी कॉल पे करो। जी तो कभी कभार होता भी है, अभी एक दो कॉल अपने जाते भी है, ऐसा नहीं कि भाई 100 10 में से 10 कॉल सही हो गया, 10 में से 2 कॉल गए, मतलब ऐसा नहीं कि अपना पूरा प्रॉफिट गया। इसके लिए सभी कॉल करना चाहिए। जी। और इसके अलावा सर आप देखेंगे कि इंटेलिसिस जो भी कॉल्स जनरेट करता है वो रात को टेलीग्राम में दूध का दूध पानी का पानी में अपडेट हो जाता है, कॉल ट्रैकर में लाइव अपडेट हो जाता है कि ये हमने एंट्री दी थी, एग्जिट लॉस में कराई या प्रॉफिट में कराई। सो इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी सर मैंने तो कहीं नहीं देखी। आपने सर कहीं देखी स्टॉक मार्केट में जो कॉल जनरेट करते हैं जो नहीं, अरे मुझे काफी मतलब तनाव मेरा हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं कर, आपके साथ जुड़ा हूँ ना तब से ऐसा नहीं कर रहा, मैं एमसीएस कर रहा हूँ जी इसमें काम कर रहा हूँ, एक है प्रेशर कम रहता है कि भाई जी है अपने कोई मतलब पीछे से है सपोर्ट साथ देने वाले, या से ये करो वो करो गाइड करो। अपने को तो इसमें इतना नॉलेज नहीं रहता है मुझे। हाँ, वेरी ट्रू अपने तो बिजनेस के चक्कर में पूरा 100% इसके ऊपर ध्यान नहीं देते अपने, वो बिजनेस में तो ध्यान देना पड़ा। जी। इससे बेफिक्र होके काम कर सकते हैं इसमें। ओके सो अल्टीमेटली सर आप सिर्फ इंटेलिजेंस को टेलीग्राम में देखते रहते हैं, कोई कॉल जनरेट होता है आराम से काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। आराम। ओके सर यूथ आइकॉन बहुत सारे मैसेजेस मतलब इस इंटरव्यू को देखेंगे तो आप लोग को क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं सर, आप एक छोटा सा मैसेज। बस मेरा यही मैसेज है कि अपने लेवल पे काम कर लेना चाहिए, मैंने हर एक कॉल पे काम करना चाहिए। कि दो ऐसे लोग हैं इसके लिए कि काम करना छोड़ रहा हो, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करो तो पूरा आंख बंद करके विश्वास करो, मैंने सभी कॉल पे करो, अपने लेवल पे काम करो, बस यही मेरा। चलिए सर बहुत अच्छा लगा सर, एक शॉर्ट नोटिस पे इंटरव्यू के लिए हमने आपको इनवाइट किया और आप आके एक डिस्कशन हुआ। सो सर थैंक यू सो मच सर, कीप फॉलोइंग वेलकम। इंटेलिसिस एंड जैसा आपने बोला कि आप मतलब अपने फंड साइज के अकॉर्डिंगली आपने जो लॉट साइज डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। सर इंटेलिसिस के बिहाफ में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर आप बहुत ग्रो करें अपनी नॉर्मल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में बहुत पैसा बनाए और अपने ड्रीम्स अचीव करें सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके तो ये थे हमारे साथ दिगंबर जी जो गुजरात वडोदरा से बिलोंग करते हैं एंड ये शॉर्ट नोटिस पे इंटरव्यू था एंड आई एम श्योर उन्होंने जो भी बोला दिल से बोला, कैसे उनको पता चला इंटेलिजेंस के बारे में, कैसे वो काम करके पैसा बनाते हैं स्पेशली बुलियन में काम करके पैसा बनाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस भी उसी का है तो अल्टीमेटली दो जगह उनको फायदा हो रहा है, पहला उनके फिजिकल बिजनेस में व्हाई बिकॉज उनका ज्वेलरी का ही बिजनेस है, बुलियन का बिजनेस है, और दूसरा स्टॉक मार्केट में आज वर्चुअली वो गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं उसमें भी पैसा बना रहे हैं। एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी लर्निंग दी कि उनको नहीं उनकी पूरी फैमिली वालों को पता है इंटेलिजेंस के बारे में, जब वो मिस कर देते हैं तो उनके फैमिली वाले उनको कॉल करके बोलते हैं कि यार ये कॉल आया है। तो अगेन ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है इंटेलिजेंस के लिए कि लोगों के सामने नजरिया चेंज होता जा रहा है, लोग समझने लग गए हैं, फैमिली वाले भी समझने लग गए हैं कि यस स्टॉक मार्केट में कमोडिटी हो या इक्विटी हो इट इज नॉट ए गैम्बलिंग, प्रोफेशनली में काम करेंगे तो बहुत पैसा। सो अगर आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, मैं देखता हूँ काफी लोग शर्माते हैं, काफी लोगों को मैसेजेस करो सर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं क्या, आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हैं क्या, वो लोग डरते हैं नहीं सर मैं फेस टू फेस नहीं आना चाहता हूँ मैं कैसे बताऊंगा कि मैं काम, तो डरिए मत काम करते हैं तो बताइए अच्छे से बताइए। लीगल बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप छुप छुप के कर सकते हैं, माइंड जितना फ्री रहेगा उतने अच्छे से आप काम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ फिर आऊंगा, फिर हम एक डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन होगा और फिर आपको डिस्कशन। थैंक यू।